नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे अरबी जेई के लिए जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है, तो उसमें से हम लोग इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो सब्जेक्ट है वो डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। उस पर हमने देखा था कि उसके कौन कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल है और उसका फिनोमिना क्या है। आज हम लोग देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए, जो सिलेबस है आपका आरआरबी जेई के द्वारा जो दिया गया है, तो इसमें से हमने ये बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट ये कवर कर लिया। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इसमें हमने जो भी टॉपिक्स है वो आपको पढ़ना था, जैसे एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का। तो इसमें हमने एयर पोल्यूशन देख लिया है। इसके बाद हम लोग एसिड रेन देख लिया है, ओजोन डिप्लेशन हो चुका है आपका। और उसके बाद जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है ये हम लोग आज देखेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग आपका ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं, तो ये सब एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, आप लोग एक सीरियल वाइज देखिए सभी को, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और इसके लिए हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप यदि आप प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट का अलग से मिल जाएगा और कंप्यूटर का भी अलग से मिल जाएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि यदि आप सिक्वेंस में देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये जितना भी टॉपिक है सब एक दूसरे से लिंक्ड है, यानी कि एक टॉपिक है तो वो दूसरे टॉपिक का उसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो आपको सीरियल वाइज देखने में हमने सब पे सीक्वेंस भी दे दिया है, तो आप लोगों को देखने में इजी होगा। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीरियल वाइज देखिए, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और कुछ लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे लेक्चर्स का, तो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सरजी क्लासेस का जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे ग्लोब है, ग्लोब आपका क्या हो गया, एक अर्थ हो गया, क्या है, एक टाइप का आपका एक ग्लोब ही है जो एक स्फेरिकल टाइप का है। अब वार्मिंग का मतलब है कि ये जो ग्लोब है आपका, यानी कि जो अर्थ प्लानट है, ये वार्मिंग हो रहा है, यानी कि ये हीटअप हो रहा है। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है, यहाँ पे हीटअप हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। तो यानी कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, यानी कि क्या हो रहा है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ड्यू टू सम क्लाइमेटिक कंडीशन, या फिर ऐसे जो हार्मफुल गैसेस है जो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो वो सब क्या है, इसका सब इफेक्ट है, यानी कि मल्टीपल सोर्सेस हैं जो आपका जो ग्लोब है, यानी कि जो अर्थ है, उसको क्या कर रही है, वार्मिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कि ऐसे बहुत सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो क्या करते हैं कि जो सन का जो रेडिएशन है उनको ट्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद जो टेम्परेचर है, आसपास का जो टेम्परेचर है, अब वातावरण का जो टेम्परेचर है या एटमोसफेयर है, उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो वो जो इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, यानी कि वही आपका क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। यानी कि जो ग्लोब है आपका क्या हो रहा है, वो हीटअप हो रहा है, यानी कि वार्मिंग हो रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको आपको समझना होगा, तो आप इसको इसी तरीके समझ सकते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है एटमोसफेयर में, इसके अलावा और भी जो एयर पोल्यूटेंट है वो भी आपके प्रेजेंट है, तो इनको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जितने भी सनलाइट से जो भी रेडिएशंस आते हैं उनको ये कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि उनको ट्रैप कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे रेडिएशंस, जैसे कि वहाँ से जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं अर्थ सरफेस से, उनको ट्रैप कर लेते हैं, और टेम्परेचर जो भी है वातावरण का उसको वो इंक्रीज कर देते हैं। तो इसी के चलते ही जो ग्लोब है आपका, यानी कि जो अर्थ है, उसके टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यही आपका क्या हो रहा है, फिनोमिना ग्लोबल वार्मिंग को काउस कर रहे हैं। तो नॉर्मली देखिए, जो रेडिएशंस होते हैं जो स्पेस से, वो मतलब कि जो सनलाइट से जो भी आ रहा है, तो वो इस्केप कर सकते हैं स्पेस में। लेकिन ये जो पोल्यूटेंट जो आप इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, जैसे आपका एयर पोल्यूटेंट जो भी मैंने आपको बताया पहले, और उसके बाद जो आपका ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये एटमोसफेयर में बहुत सालों तक ये रह सकते हैं। और जब ये वहाँ पे जब एग्जिस्टेंस होगा एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होगा, ये हीट को ट्रैप करेंगे, यानी कि जो भी सनलाइट से हीट आ रहा है उसको वो क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। जब ट्रैप करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा ही होगा, यानी कि हीट होगा ही, यानी कि हीट जनरेशन होगा ही होगा।
अब इसी के चलते जो आपका प्लानट है, यानी कि जो प्लानट अर्थ है, यानी कि जो हमारा ग्लोब है, वो क्या हो रहा है, डे बाय डे हॉटर होते जा रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमने पिछला वाले क्लास में भी देखा था। तो यही सब फिनोमिना आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को काउज कर रहे हैं। तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से कारण है कि जो ग्लोबल वार्मिंग को काउज कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कि आपका CO2 हो गया, मिथेन हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, जो हीट को ट्रैप कर रहे हैं, तो यही मेजर काउज है इसके। इसके अलावा जो आपका और भी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जो कि है काउज करते हैं, तो वो भी आपके आ जाएंगे इसमें, जो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कराने में। तो वही कुछ इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ते चलिए सब कुछ यहाँ पे। कि जैसे पहला आपका स्टेटमेंट है इसमें कि इंक्रीज इन CO2 CFC प्रोपोर्शन इन द एटमोसफेयर लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जैसे ही आपका CO2 और CFC का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी काउज करेंगे ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि जो CO2 है और CFC है, ये हीट को ट्रैप करके अपने, मतलब कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो उनका क्या हो, एवरेज टेम्परेचर वो इंक्रीमेंट होगा ही होगा एटमोसफेयर का। इसके अलावा जो आपका CFC है, ये एक्सेसिवली हम लोग इसका यूज़ करते हैं फ्रिजर्स में या रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनर में, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग को थ्रीट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को थ्रेट पहुंचाते ही है। क्योंकि ये जो फ्रियोन्स है, जब ये एटमोसफेयर में जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर में, तो ये भी काउज कर रहे हैं। और ये जो मतलब कि ऑब्जर्व किया गया है कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है आपका 1 डिग्री फॉरेनहाइट से, यानी कि ये आपका इतना डिग्री टेम्परेचर से, यानी कि इतना फॉरेनहाइट से जो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, यानी कि जो एवरेज जो टेम्परेचर है अर्थ का वो कितना इंक्रीज आपका कर रहा है, तो 1 डिग्री फॉरेनहाइट इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते। अब इसमें से भी जो आपका CO2 है, ये अगर कंटिन्यूसली रिलीज होता है एटमोसफेयर से, जो प्रेजेंट रेट से यदि हम बात करें, यानी कि जिस रेट से अभी CO2 जो आपका है वो एटमोसफेयर में जिस तरीका से इंक्रीमेंट हो रहा है इनका, तो अब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस सेंचुरी के एंड में जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 3.6 डिग्री फॉरेनहाइट तक ये इंक्रीमेंट हो सकता है, ड्यू टू द काउज ऑफ दिस एयर पोल्यूटेंट, जो आपका CO2 हो गया या मिथेन हो गया या CFC हो गया। और उसमें से भी जो आपका इसमें CO2 है वो ज़्यादा काउज करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं इसके, यानी कि काउज है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अब उसके बाद सपोज कीजिए कि जो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, कि यदि एक्सेसिव यदि हीटिंग होगा अर्थ का, यानी कि जो आपका जितने भी अर्थ टेम्परेचर आपका हो रहा है उसका यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एटमोसफेयर का, तो उसके चलते क्या होगा कि जितना भी स्नो है या फिर जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होगा पोल्स के ऊपर में। अब उसके चलते क्या होगा कि जो वाटर लेवल होगा सी का, उसके चलते वो इंक्रीज करेगा, और जो भी सिटी है कोस्टल एरिया में जो भी लोकेटेड है उनमें ऊपर में क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, तो वो पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। तो ये इसके क्या है, सारे इफेक्ट है। तो वही इफेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ना है या देखना है। तो जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जो आपका हो रहा है, तो इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला इसमें है कि जो एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। अब इसके चलते क्या होगा कि यदि टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट के चलते क्या होगा कि जो समर सीजन होगा वो लॉन्गर होगा और हॉटर होगा एज़ कम्पेयर टू विंटर सीजन। तो अब जैसा कि आपको ये अनुभूति हो भी रही होगी आजकल, कि जैसे आप देखते होंगे कि जो समर सीजन है पहले की तुलना में अब क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है, और समर सीजन जो होता भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है समर सीजन में, और जो विंटर सीजन है विंटर सीजन वो बहुत ही छोटा होता है और उसमें उतनी ठंडी नहीं लगेगी आपको यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी रेट से बढ़ता गया। तो ये इसका क्या हो गया, एक इफेक्ट हो गया। तो आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा वार्म क्लाइमेट होगा, तो उसके चलते क्या होगा कि जो भी सिटीज़ है वो जितने भी सिटीज़ है वो ज़्यादा उतना ही हॉट होता जाएगा रहने के लिए। तो आप सपोज कीजिए कि जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, तो आप जानते हैं कि गर्मी में रहना ऐसे भी असहनीय हो जाता है। तो इसका मेजर इफेक्ट क्या है इसका, कि ये यानी कि जीना हमारे लिए ही क्या हो गया, मुश्किल हो जाएगा यदि ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो अब दूसरा इसका जो रीज़न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग का, कि यदि टेम्परेचर का यदि राइज होगा अर्थ पे, तो जो ओशियंस है वो क्या होगा, वार्म अप होगा, और जो सी है सी का लेवल भी राइज होगा, तो उसके चलते क्या होगा कि फ्लडिंग काउज कर सकता है जो भी लो लाइंग रीजन्स है या फिर जो भी कोस्टल एरिया में जो रीजन्स रहते हैं, तो वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है सी लेवल का।
तो वो फिर एक ऐसा समय आएगा कि वो जितने भी वहाँ के जो शहर बसे हुए वो जलमग्न हो सकते हैं आने वाले दिनों में, यदि इसी तरीका से इंक्रीमेंट होता रहा है टेम्परेचर का और जो ग्लेशियर्स है वो पिघलते रहे। तो अब ये क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे इफेक्ट है ये सब ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसका इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका कोस्टल एरिया है, जैसे आपका बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मालदीव्स है, तो ये सब क्या है पार्ट है जो कि जैसे कि ये सब लो लाइंग एरियाज है या फिर कोस्टल एरियाज है, तो ये सब जलमग्न हो सकते हैं एक आने वाले समय में। और एक पॉइंट आपको नोट करना होगा कि जो एवरी ईयर जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कितना कर रहा है, तो वो आपका है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है क्योंकि ये आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जैसे कि इफेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि क्या क्या इसका हो रहा है, कि जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है तो सी का जो लेवल आपका राइज हो रहा है, सी का लेवल राइज हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स जितने भी हैं वो सब पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर के पिघलने के चलते क्या हो रहा है कि सी का जो लेवल राइज होगा और जितने भी लो लाइंग एरियाज है वो क्या हो जाएंगे जलमग्न हो जाएंगे। तो ये सारे क्या इसके हो गए इफेक्ट्स हो गए। अब इसके बाद और हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो भी आते हैं, जैसे हरिकेन हो गया, ये सब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और बहुत ज़्यादा होते जाएंगे, यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ये समय समय पे बहुत ज़्यादा बार आते भी रहेंगे। जैसे पहले ये ऑब्जर्व किया जाता था कि जैसे कोई एक जैसे कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आया, फिर कोई चक्रवात आया, तो वो साल में 2 या 3 बार आता था, लेकिन यदि टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीमेंट होता रहा तो वो क्या होगा फ्रिक्वेंटली अकर होते रहेगा, यानी कि वो महीने में 2 या 3 बार आ सकते हैं, कि जो कि वो आना चाहिए 1 या 2 बार आना चाहिए। तो ये सब क्या है इसके इफेक्ट है। और उसके बाद जब ये आएंगे तो ये डिवास्टेशन यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही मचा ही सकते हैं, तो ये तो हम लोग जानते भी हैं कि जब भी चक्रवात आती है तो वो तबाही मचाता ही है। तो ये सब कारण क्या है इसके, तो ये ग्लोबल वार्मिंग ही है। तो आपको अच्छे से सबसे पहले ये समझना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से हो रहा है और इसके इफेक्ट क्या है, तब हम लोग जाके इसका रेमेडी निकाल सकते हैं कि क्या क्या हमें स्टेप्स लेना चाहिए। तो और भी देख लीजिए इसका इफेक्ट क्या क्या होगा इसका, कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ह्यूमन हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि जैसे ही अगर हॉट डे बढ़ेगा या एक्सट्रीमली हॉट वेदर कंडीशन होगा तो ये आपका रेस्पिरेटरी डिजीज काउज कर सकता है, यानी कि सांसों जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्शन डिजीज आपका हो सकता है, कि जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, स्लीपिंग सिकनेस होगा, तो ये इनको भी बढ़ावा देगा फैलने के लिए। तो ये सब क्या है इसके इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के। यदि हम एनिमल हेल्थ की हम बात करें तो उनको भी इफेक्ट होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा तो उसके चलते डिजीज पैरासाइट्स के द्वारा इंक्रीमेंट होगा, तो ये हो गया। उसके बाद ओशन का टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाएगा, तो मैरीन लाइफ जितने भी है उनको भी इफेक्ट पड़ेगा एडवर्सली। इसके अलावा यदि टेम्परेचर यदि आपका बढ़ रहा है तो समर सीजन आपका लॉन्गर होगा और हॉटर होगा और विंटर शॉर्टर होगा, तो ये हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिया है। तो यदि टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो भी सिटीज है सिटीज में जनरली रहना मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। अब हम लोग वो स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं कि जो हम लोग ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो जो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें है कि जो भी हम लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं जो टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, या फिर जो ये सब जो CO2 है वो रिलीज कर रहा है जिसके चलते जो यानी कि जो हीट को ट्रैप कर रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट को या ऐसे डिवाइस जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनको हमको मिनिमाइज करना होगा या फिर उनको रिप्लेस करना होगा। तो इसमें आपका है लाइट है सबसे पहला, यानी कि जो भी आप रेगुलर लाइट बल्ब जो यूज़ करते हैं तो उसको हमको रिप्लेस करना होगा फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब से, कि जो मतलब कि CO2 जो रिलीज करते हैं तो उनके जगह पे हमको यूज़ करना होगा फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब का, जैसे आपका LED हो गया, CFL हो गया, तो आप इनकैंडेसेंट बल्ब के जगह पे आप ये यूज़ कीजिए, क्योंकि जो इनकैंडेसेंट जो बल्ब होते हैं जो फिलामेंट बल्ब वाले होते हैं वो ज़्यादा CO2 रिलीज करते हैं, तो उसके जगह पे आप यूज़ कीजिए फ्लोरोसेंट लाइट यूज़ कीजिए। उसके बाद अगला स्टेप है कि ड्राइव लेस, यानी कि आप वैसे व्हीकल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ कीजिए, यानी कि आप अपना जो पर्सनल व्हीकल है उसका यूज़ ना करके हम लोग क्या यूज़ करें, यानी कि जो ऐसे व्हीकल का यूज़ करें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, यानी कि जो मैक्सिमम लोग हो तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यदि यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होगा एटमोसफेयर में। फिर अगला इसमें है स्टेप्स की रिसाइकल मोर, यानी कि हमको अधिक से अधिक रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि यदि हम कोई चीज़ों को जैसे यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं तो वो भी CO2 रिलीज करता है उसके चलते, तो हमको रिसाइकल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा ताकि ये सब जो CO2 जो रिलीज हो रहा है उसको कम कर सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं कि जो आपने अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया जो काउज करते हैं तो उसको भी वो मतलब कि क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए जो रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपको खुद आइडिया हो गया होगा, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग मेजर्स यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कि आप लोग इसमें कर सकते हैं स्टेप्स, प्लांटेशन ऑफ ट्री का हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी होते हैं उसको आप टर्न ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं ये सब क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि CO2 को रिलीज करने के लिए। तो ऐसे चीज़ यानी कि ऐसे डिवाइस या फिर ऐसे मेजर्स यानी कि ऐसे जितने भी वो चीज़ हैं जो CO2 को रिलीज करते हैं, या फिर जो कंपाउंड्स या ऐसे कंपाउंड को रिलीज करते हैं जो हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं, तो आपको उसको अवॉइड करना होगा। तो उसमें से जैसे कि मेजर स्टेप्स आपका रहेगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो आपका मेजर काउज है उसके अलावा CO2 है वो भी आपका आ जाएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जैसे कि आप जैसे CAC का यूज़ करते हैं या रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं आप, तो उनको यूज़ ना करके हम लोग दूसरे चीज़ का यूज़ करें, जैसे कूलर का यूज़ कीजिए, गर्मी के दिनों में AC बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो, बट AC में अभी कंफर्टेबल तो लग रहा है लेकिन जो हमारा फ्यूचर जो आने वाला जनरेशन होगा उनको ज़्यादा ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो हमको अभी से ही स्टेप्स उठाना होगा ताकि जो आने वाला जो फ्यूचर होगा वो सिक्योर होगा। अगर इस पर ये सब चीज़ों पे ध्यान न दिया जाए तो जो आने वाला जो जनरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, और आपको इसका असर दिख ही रहा होगा आजकल कि गर्मी कितना तेज़ी हो, कितना मतलब तेज़ धूप लगती है आजकल, और जो गर्मी पड़ती है तो वो भी बहुत लंबा ड्यूरेशन का होता है। तो ये सारे क्या है, सब इफेक्ट है। तो यदि आप जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसको आपको इफेक्ट, ये प्रैक्टिकल आप जो लाइफ जी रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सब सारे चीज़ दिख रहा होगा, और आप क्या क्या स्टेप्स आप उठा सकते हैं तो वो आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बताया और क्या क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या क्या सोर्स हैं उसके, तो उसके बेसिस पे आप लोग समझ सकते हैं कि क्या मेजर्स हमको अपने से उठाना चाहिए ताकि इनका एमिशन जो हो रहा है वो कम हो और ये जो भी फिनोमिना काउज हो रहे हैं तो वो ज़्यादा ना हो। तो आई होप कि जो भी चीज़ थ्योरी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या जो वो तो हमने कवर कर लिया, या फिर जो आपका उसी से रिलेटेड आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कि द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल वार्मिंग्स आर, यानी कि वो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस क्या है कि जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो यदि आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया और वाटर वेपर्स हो गया, तो इसमें वो सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी कि वो सारे इसमें दिख रहे हैं वो कंपोनेंट जो काउज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो आपका ऑप्शन तो ए होगा ही होगा। बट यदि आपको जैसे कि क्वेश्चन यदि आपको मिले तो आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में और भी चीज़ दिया रहता है, क्योंकि वो भी हो सकता है यहाँ पे, तो आपको बेस्ट ऑप्शन को ढूंढना होगा। जैसे आप ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो होगा ही होगा, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ये मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग को काउस उतना ज़्यादा नहीं करता है, तो ये आपको ऑप्शन से छाटना होगा। फिर अगला देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं होता है, ये तो इसको आप इलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अगला देखिए, इसमें दिया हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन और ओजोन भी है, तो इसमें जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये काउज नहीं करता है, तो आपको ऑप्शन से भी देखना होगा। आप लोग ऑप्शन भी देखते जाइएगा तब उसके बाद आपको ज़्यादा कंफर्मेशन आएगी कि क्या बेस्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि ये सब भी कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन जो मेजर काउज करते हैं आपको उस पर जाना है, यानी कि आपको ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को आंसरिंग करना होगा। क्योंकि जो थ्योरी में मैंने आपको बताया है कि जो मेजर काउज करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, उसके साथ में नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा और वाटर वेपर्स हो जाएगा, उसके साथ में कुछ पोर्शन ओजोन भी होते हैं लेकिन इनको उतना काउंट नहीं किया जाता है, तो आपको ऑप्शन से देख के आंसरिंग करना होगा। क्योंकि ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कि जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकता है कि ये भी हो सकता है, बट जो मैंने आपको थ्योरी में बताया तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही रहना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि
कि ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ सर्फेस का वो किस तरीके से या किस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया था, तो किस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 0.5 डिग्री सेल्सियस पर ईयर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया तो वो आपको समझ में आया होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, चाहे जितने भी फिनोमिना मैंने आपको आज या जितने भी लेक्चर्स पिछले 3-4 लेक्चर मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। तो आप लोग बस रियल वाइज देखते जाइए सबको, और अपना तैयारी करते रहिए, और वीडियोज़ को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के अमोंग, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।